उत्तर प्रदेश की राजधानी से राजनीतिक गलियारों से खबर सामने आ रही है, जो किसान मजदूर संघर्ष पार्टी के तृतीय अधिवेशन की है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें कि पार्टी ने किया किसानों का पुरजोर समर्थन, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान ने दिया बड़ा बयान। आइए डालते हैं, उत्तर प्रदेश राजधानी के गांधी भवन में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप ने पूछे उनसे सवाल किसान आंदोलन को लेकर के। तो आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की राजनैतिक गलियारों की एक खबर पर नजर। स्वागत करता हूं कि जिस तरीके से वो हमारे लिए कर रहे हैं, इस देश के लिए कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है और उनमें कुछ दे, इसीलिए उनका जहां पे उनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। जो आज इस मुकाम पर है, मैं कुछ नाम पढ़ रहा हूँ जो शुरू से पार्टी की स्थापना के समय जुड़े थे। वो हमारे जो पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, हनुमान प्रसाद मिश्रा जी, राजीव मिश्रा जी, संतोष बघेल जी, बाबा विश्वनाथ भारती जी, प्रमोद मिश्रा जी, चंद्रमौलि द्विवेदी जी और मैं स्वयं सौरभ। उत्तर प्रदेश की राजधानी में किसान मजदूर संघर्ष पार्टी का जहां आज तीसरा वार्षिक अधिवेशन मनाया जा रहा है, वहीं इनके पार्टी के नेताओं द्वारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके संगठन के सभी पदाधिकारियों ने आज राजधानी लखनऊ के गांधी प्रेक्षागृह में जिस तरह से आज पूरे तीसरे वार्षिक अधिवेशन को आयोजित किया है, जहाँ इनकी राष्ट्रीय कोर कमेटी हमारे साथ है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान जी हमारे साथ हैं, जहाँ इनसे बात करेंगे कि आज किसान संघर्ष पार्टी आखिर किस तरह से काम कर रही है और आज तीसरा साल पूरा होने पर किस तरह की शुभकामनाएं देगी अपने कार्यकर्ताओं को और देश में जो किसान आंदोलित है, आखिर किसान संघर्ष पार्टी उनको किस तरह से देखती है। अभी बात करते हैं और जानते हैं पार्टी के विचारों को। सर, अपने परिचय के साथ बताएं, आज तीसरा वार्षिक अधिवेशन आप लोगों का संपन्न हुआ गांधी प्रेक्षागृह में, किस तरह की शुभकामनाएं और पार्टी के एजेंडे उद्देश्य क्या है, किसानों के समर्थन में पार्टी किस तरह से काम कर रही है। भाई, पहले तो मैं अपने सभी पदाधिकारियों का ये तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ और पार्टी को आगे ले जाने के लिए सभी पदाधिकारियों को आदेशित करता हूँ कि संगठन को पूरे यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान करें, जिससे पंचायत चुनाव आ रहा है, इसमें पार्टी बढ़ चढ़ के जो है भागीदारी कर सके और पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, इनके लिए मैं हमेशा यही शुभकामना करता हूं कि अपने जितने भी पदाधिकारी हैं उनको तन मन धन से उनकी अगुवाई करें और जो ये किसानों का चल रहा है सत्याग्रह, इसको सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि इनके मांग को मान के और इनको सहूलियत प्रदान करें और हमारा जो चीज़ें हैं वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आप लोगों से ओपन करेंगे। सर, अपने परिचय के साथ बताएं, आज तीसरे वार्षिक अधिवेशन में क्या कहना चाहेंगे। मैं चंद्रमौल द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विद प्रकोष्ठ किसान मजदूर संघर्ष पार्टी, अपने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राज्य पदाधिकारियों एवं अन्य राज्य से आए हुए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए, किसान मजदूर संघर्ष पार्टी एक आम जनमानस की पार्टी है, इसमें कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि का आदमी नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें सभी किसान और मजदूर ही जो है इसमें जुड़े हुए हैं और उन्हीं के जो धन संग्रह से ये पार्टी संचालित हो रही है। हम लोग किसान पुत्र हैं, इसलिए किसान और मजदूर दोनों की एकता को कायम रखते हुए पार्टी का विस्तार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे और सभी लोगों को हमारी पार्टी साथ लेकर चलती है, क्योंकि अन्नदाता हैं और अन्नदाता ही दुखी होते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज के पृष्ठभूमि मतलब आपकी पार्टी उनके साथ है। हमारी पार्टी किसान आंदोलन के साथ है, किसान आंदोलन का समर्थन करती है, सरकार से आग्रह करती है कि जो कृषि कानून बनाए गए हैं, जो किसानों का अहित होने वाला है, उसको जो है वो वापस ले और किसानों के हित की
सोचे, क्योंकि अन्नदाता अगर सुखी होगा तो देश तरक्की होगी। ठीक है सर, ठीक। मैं वैद्य अभिषेक कुमार वत्स, राष्ट्रीय प्रवक्ता KMSP। जी, सभी पदाधिकारियों का स्वागत करना चाहूँगा। आपने एक सवाल पूछा था कि राष्ट्रीय आंदोलन जो किसान का चल रहा है उसके बारे में हमारी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है, तो सरकार लगातार एक सवाल पूछ रही है किसानों से कि आने वाले समय में ये आपकी ज़मीनें कैसे हड़प ली जाएंगी। तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, जैसे LPG सिलेंडर बाँट कर किसानों के लिए, जो किसानों और महिलाओं के लिए LPG सिलेंडर बाँटे गए थे, उनके यहाँ पर सब्सिडी लगभग आज 65 रुपये पहुँच चुकी है। इस तरह इसका मतलब है कि कंपनी जब चाहे अपने रूल रेगुलेशन को बदल सकती हैं, और उसके साथ यदि कोर्ट का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा किसानों को, तो धीरे धीरे जो कंपनीज एग्रीमेंट पे काम करने आएंगी वो धीरे धीरे किसान को एडवांस पैसा दे देकर उनके ज़रूरतों पर पैसे देंगी। क्योंकि आज किसान शब्द को डिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसान कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता है, उसका पूरा परिवार। यदि आप उसकी दैनिक मजदूरी जोड़ दें तो किसान उतना भी नहीं कमा पाता है। MSP वहाँ जानी चाहिए, रामानुजन की रिपोर्ट देखनी चाहिए। यही हम आंदोलन में इस पॉइंट्स के साथ खड़े हैं कि किसान की जमीन हड़पी जा सकती है, और उसका प्रोटोकॉल कैसे होगा। जैसे कोई बड़ी कंपनी आई, उसने 6 लाख रुपये 10 साल के लिए एग्रीमेंट यदि 1 एकड़ के लिए दिया, और अगले कुछ सालों में वो 10 लाख और रुपये देकर यदि किसान को किसी तरह से फ्रॉड करती है, तो किसान कोर्ट नहीं जा पाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो काला पन्ना है इस कानून का। तो हमारी पार्टी इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़ी है और इस काले कानून का विरोध करती है। पंचायत चुनाव में पार्टी क्या सिंबल से लड़ाएगी? पंचायत चुनाव में पार्टी के पदाधिकारियों का जो निर्णय होगा उस पर हम लोग उस पार्टी के साथ खड़े हैं। और जहां तक रही पंचायत चुनाव से, तो हमने अभी हमारे उपाध्यक्ष श्री सत्यनारायण पांडे ने जैसा बताया है कि हम किसानों के जो गेहूं की फसल तैयार हो रही है उसमें लगातार मंडियों में जाकर किसानों के साथ खड़े रहेंगे, और वहाँ पर जो उनके रेट्स हैं MSP रेट्स पर, उनको तौल कराने की पूरी कोशिश करेगी किसान मजदूर संघर्ष पार्टी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के अधिवेशन में कश्मीर तक के लोग जुड़ चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि मेरे पदाधिकारी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी कम से कम वहाँ खड़े होकर किसानों के साथ स्टैंड करें। जी, मैं पीर अली खान, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश किसान मजदूर संघर्ष पार्टी। आज हमारे पार्टी का 3रा महाअधिवेशन है, इसलिए हमारे कई राज्यों से आए पदाधिकारी और सारे कार्यकर्ताओं का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूं, दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इस पार्टी को कहां से कहां तक आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी पार्टी किसान और मजदूर की पार्टी है, इसलिए हम जमीनी पार्टी, जमीन के स्तर से किसानों और मजदूरों को लेकर चलने वाली पार्टी है। आने वाले पंचायत चुनाव को किस तरह से देखती है आपकी पार्टी? जी, हम अपनी पार्टी को आने वाले पंचायत चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे।